नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 21 नवंबर 2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने इधर निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है। इधर निफ्टी थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में लग रहा है और इधर जो फिबोनाची का लेवल है इसमें देखिए आज गैप अप ओपन हुआ था 61.8% से, ये रिट्रेस्ट करके ऊपर गया है 12,038। बट ये 12,100 का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया, तो इधर 12,100 का रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो ये 12,147 उसके बाद 200 तक जा सकता है। और इधर देखिए, इधर जो गैप अप भी ओपन दिया है और इधर ऑलमोस्ट डबल टॉप तैयार कर रहा है, तो ये रिट्रेस भी होके नीचे आ सकता है। ये देख सकते हैं आप लोग, इधर एक डबल टॉप जैसा पैटर्न तैयार हुआ है और इधर इसका ऑप्शन चेन मैंने देखूंगा तो इसका पीसीआर रेशियो, फर्स्टली इसका पीसीआर रेशियो 1.38 है ऑलमोस्ट, इसका जो हाई रेंज है उसका उसके आसपास चला गया, मतलब 1.6। तो इधर इधर इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है इसका 12,100 में, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और 336,000 इसका ओपन इंटरेस्ट है। जो नोटिसेबल थिंग है तो ये है कि इधर जो सपोर्ट है 11,900 में पुट साइड में, इधर लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है। इधर देखिए प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी नेगेटिव हुआ है, 31,800 इसका ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव हुआ है, तो ये बहुत ही वाइटल चीज़ है। तो इधर देखिए एक साइड में इंडिकेट कर रहा है कि ये नीचे जा सकता है, लेकिन ये इधर पुट शॉर्टिंग हो रहा है, वो तो पुट को सेल कर रहा है, तो इधर अब जाने का प्रॉबिलिटी भी ज़्यादा है। तो कल शायद एक्सपायरी में हम लोग बोथ साइड्स में मूवमेंट देख सकते हैं। इधर आईवी भी कुछ बड़ा है, तो बोथ साइड हम लोग कुछ बड़ा मूवमेंट देख सकता है। और यदि इधर से प्रोबेबिलिटी हम लोग देखेंगे तो निफ्टी का प्रोबेबिलिटी नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा है, 11,900 सपोर्ट के तरफ, और लेकिन ऑप्शन चेन इधर इंडिकेट कर रहा है कि इधर ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इधर अब ऑप्शन चेन में इधर प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने का ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, लेकिन जो चार्ट में जो दिखा रहा है इधर डबल बॉटम और डबल टॉप पैटर्न क्रिएट किया है और इधर 61.8 से रिट्रेस्ट करके ये ऊपर चला गया है। लास्ट मिनट में ये कुछ करेक्शन भी दिया है। इधर देखिए 11,938 जाके ये 11,968 लो मारा था, उसके बाद कुछ रिट्रेस करके फिर 11,993 में ये क्लोजिंग दिया है। तो ये 11,000 जब ये जो 38.8% के नीचे ये जब ये जो रिट्रेस करेगा, मतलब 11,950 या 960 के नीचे आएगा, तो ये 11,924 उसके बाद 11,900 की तरफ आ सकता है। गैप ये जो गैप अप आज हुआ है, ये गैप फिलिंग होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूँगा तो ओवरऑल अप मूवमेंट ही होगा, लेकिन ऑप्शन चेन दिखा रहा है कि अप मूवमेंट होगा, लेकिन
इधर चार्ट और जो प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेशन जो दिखा रहा है तो थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रहा है, तो इसीलिए कॉन्फर्मेशन का लिए हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन किया हूँ, इधर देखिए इधर 38.2% से ये रिट्रेस होकर ये ऊपर गया है, इधर भी थोड़ा सा ओवरसोल्ड ड्रैग लगा है RSI, इधर भी रिट्रेस होना हो सकता है, रिट्रेस होने का प्रोबेबिलिटी है। और इधर जो इधर नीचे आएगा तो 30,700 उसके बाद 30,500 में इसका सपोर्ट है, इस इधर के इधर ये सपोर्ट ले सकता है। तो सबके लिए हम लोग को कॉन्फर्मेशन का जरूरी है, तो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल एंड ऑफ द डे फाइल बना के आप लोग को लेवल दिखा देता हूँ। मेरा जो इधर जो मैंने मेरा जो स्किनर है मैंने बाइसेल लेवल कम स्किनर बनाया और बाइसेल लेवल 3 इसमें जो स्किनर है इसमें बाइसेल लेवल 1 है, बाइसेल लेवल 2 है और बाइसेल लेवल 3 है। तो इसको इसके थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू दे देता हूँ। और जो लोग मेरा पेशर्स ग्रुप में ज्वाइन करता है और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करता है जो फ्री ट्रायल ले रहा है तो उन लोग को ये फाइल पूरा फाइल मिल जाता है। इसमें 150 FNO स्टॉक्स है, निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का लेवल रहता है, कमोडिटी का लेवल रहता है और जितने सारा फ्यूचर्स का स्टॉक्स है जितने सारा स्टॉक्स है उसका फ्यूचर्स का लेवल रहता है। और मेरा जो मोस्ट रिकमेंड इसमें आप लोग स्क्रीनिंग भी कर सकता है, ईएमए क्रॉसओवर वोलेटिलिटी डिलीवरी परसेंटेज ये सब देख के BWAP इसीमोको क्लाउड वोलिंजर बैंड ये सब देख के स्क्रीन कर सकता है। और इधर बाइसेल लेवल 3 देख के एक मैंने स्किनर बनाया, उसमें भी आप लोग और भी कुछ और दूसरा कुछ ई एम ए लगा के रखा हूँ इधर और एक स्ट्रेटजी देके लगा के रखा हूँ। और मैंने इधर पेयर ट्रेडिंग में भी कॉल देता हूँ, पेयर ट्रेडिंग का कॉल देता हूँ और भी सारा ऑप्शन इक्विटी कमोडिटी में मैंने व्हाट्सएप में कॉल देता हूँ। और इधर बाइसेल लेवल 3 में भी मैंने बना के रखा है, इधर ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और ये यूट्यूब वीडियोस का ये कैसे स्क्रीन किया जा सकता है तो इसको भी आप लोग को लिंक मैंने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक जरूर देखिए। अभी तक बैंक निफ्टी का दिखाने का बाकी है, तो इधर आप लोग जितना सारा सब्सक्राइब करेंगे तो इधर आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, प्लस आप लोग को जो जितना सारा मेरा वीडियोस है स्ट्रेटजीज के ऊपर वो सब आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग को एडुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस ये काम पे आएगा। और आप लोग इसको शेयर कीजिए तो ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आप लोग को एंड ऑफ द में दिया जाएगा और इसको कैसे स्क्रीन किया जा सकता है उसका भी लिंक आप लोग को दिया जाएगा। इधर देखिए बैंक निफ्टी में 31,500 में ये सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और इधर भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और